तो यार कैसे हो आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे यार। और प्लीज़ अपने दोस्त को माफ़ करना, थोड़ा सा व्यस्त था मैं, इसलिए आपको व्लॉग नहीं दिखा पा रहा था। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे उत्तराखंड में, और ये है लाखा मंडल का एरिया जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। और ये उत्तराखंड में स्थित है जो देहरादून से 118 किलोमीटर के लगभग पड़ता है आपको। और कहा जाता है कि इस मंदिर को, जो आपको आने वाले वीडियो में भी मिलेगा, पांडवों ने बनाया था। अब बाकी की हिस्ट्री आपको आगे मिलती रहेगी, आप बने रहो। लाखा मंडल में अभी हम लोग हैं, मैं और ट्रैवलिंग आर जी, सोनविन ब्लॉग में ट्रैवलिंग आर जी, और अभी हम लोग गाना गा रहे हैं सुरीली आवाज में। गड़ वाले गाना हो जाए। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लाखा मंडल पे, और अभी आपको थोड़ी देर में मंदिर के दर्शन कराता हूँ, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ रास्ता है जहाँ से आप लाखा मंदिर पे एंटर करते हो, और थोड़ी देर में बस आपके सामने भोले जी आने वाले हैं, हमारे भगवान। और आपको मंदिर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं, या कि वो सब बताएगा आपका भाई, बस बने रहो आप लोग, और थोड़ी देर में आपको लाखा मंडल के दर्शन करवाता हूँ मैं, ठीक है? पूरा का पूरा विलेज एरिया है, ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। मतलब रास्ता पतला सा है मंदिर जाने के लिए, और पुराने घर बने हुए हैं, कुछ नए घर भी हैं, और ये हैं बहुत ही पुराने घर जो यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत पहले के हैं, लकड़ी के। और आप लोग इस शानदार मंदिर के नज़ारे इंजॉय करो जो कि आपके सामने आने वाले के बाद एक, और इसके बाद हम आपकी मुलाकात पंडित जी से भी करवाएंगे जो कि वहाँ पे स्थित है, जो सारे कार्यक्रम वहाँ पे देखते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोग यहाँ पे आए तो आपको यहाँ का सबसे अच्छा क्या लगा है यहाँ पे, मतलब आपको माहौल कैसा लगता है। वैसे तो माहौल जहाँ पे भी शिवा होते हैं वहाँ पे माहौल हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शानदार होता है, बट मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहता हूँ इस ब्लॉग के बाद कि आपको सबसे अच्छा एरिया कौन सा लगा यहाँ पे, और अगर आप लोग यहाँ पे आए तो स्पेशली आप कहाँ कहाँ पे विजिट कर रहे हो। और इसके बाद एक गुफा भी होती है यहाँ पे जहाँ पे पांडव रहते थे, बट हम लोगों के पास टाइम कम था तो हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग सीरीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है, और इसके बाद आप पंडित जी से भी मुलाकात करवाएंगे आपके। आई होप आपके पास इन सब की ब्लेसिंग्स बनी रहे, राइट? और इस जगह की खासियत यही है कि यहाँ पे जब पांडव आए थे अज्ञातवास में रहता है लगभग 1200 साल, तो उन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी थी, और कहा जाता है कि आज भी गांव में खेतों में कहीं ना कहीं वो शिवलिंग निकलते हैं। तो अगर आप लोग लाखा मंडल आए हो तो मुझे ज़रूर बताना, और भगवान भोले कि आप सभी पर हमेशा कृपा बनी रहे। और अगर आप लोग कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और ये है आपके सामने पूरा लाखा मंडल का मंदिर का नज़ारा, और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ लाखा मंडल के एरिया का भी। तो यह है लाखा मंडल का गांव पूरा का पूरा, और जो मान्यता कही जाती है कि यहाँ पे शिवलिंग हर जगह से निकलते हैं, वो इस पहाड़ी की बात करी जा रही है जहाँ पे खेतों में आज भी शिवलिंग निकलते हैं, और बाकी शिवलिंग आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पर। तो भगवान बोले कि आप सभी पर कृपा बनी रहे। पंडित जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, एक बार अपने बारे में बता दोगे आप? मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है, मैं मंदिर का मेन पुजारी हूँ, और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ। मैं यूट्यूब में भी आता हूँ, मैं दूरदर्शन भी हूँ, मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं। तो पंडित जी, दिल्ली से एक लड़की आई थी, उसने मेरा यहाँ पे इंटरव्यू दिया। सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे लाखा मंडल पुजारियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको नमस्कार। इस मंदिर की खोज गायनी की, गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी। अच्छा। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी, तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतियों का है जिसकी खोज गायनी की है। आपने पार्वती माँ के छोटे पैर देखे अंदर? हाँ जी हाँ जी। पत्थर शिला पे? हाँ जी हाँ जी। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को 12,000 साल तक उस पत्थर शिला पे तपस्या की है, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये मंदिर के ठीक द्वार पे आगे 2 नंदीगण हैं, शिव के नंदीगण हैं, ये पांडव नृत्य औजार हैं। हाँ जी हाँ जी। जहाँ पे ये चुनरी लगी है यहाँ पे पांडव नृत्य होते हैं, बाहर से टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं और पांडव नृत्य के
मजा लेते हैं और दर्शन करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका थोड़ा परिचय, आपका नाम? ओम प्रकाश बोगवा। पंडित जी, यहाँ का इतिहास क्या है, थोड़ा मंदिर के बारे में बताएं आप। ये मंदिर है, ये मंदिर जो है पानों ने बनाई है ना। जी जी, जब अज्ञात वास में आए थे जी, तो उन्होंने यहाँ 1200 साल तक जो उन्होंने जो यहाँ इसी गुफा में जो उन्होंने जो हमने समय बिताया जी, और यहाँ पन्नों ने जो 100,000 शिवलिंग की स्थापना की। 1,00,000 हाँ जी। और यहाँ मतलब खेतों में निकलते रहते हैं, अभी भी निकलते हैं मंदिर? हाँ, अभी निकलते हैं, अभी मतलब शिवलिंग निकलते रहते हैं खेतों में। हाँ जी। अच्छा, तो काफी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? हाँ जी, बहुत दूर दूर से आते हैं जी श्रद्धालु जी दर्शन करने के लिए जी, और आजकल भी आते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद भगवान जी। और आशा करता हूँ कि अभी तक का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने भी ये पहले देखा है तो आई होप आपको ये दोबारा से आपकी पूरी यादें रिफ्रेश हुई होगी, और अपने दोस्तों को भी पक्का शेयर करना, क्योंकि इसकी ब्लेसिंग्स यानी शिवाजी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पूरे हिंदुस्तान वासी या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप शॉर्ट्स इन्जॉय करो यार मंदिर के, इसके बाद मिलते हैं आपको नए ट्रैवल में, नई सीरीज़ के साथ, नई यादों के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखो, बाय।